डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे कंस्ट्रक्टर के टाइप्स क्या होते हैं। स्क्रीन पे आप देखेंगे हमने दो टाइप्स यहाँ पे पहले से लिख रखे हैं। तो पहला जो होता है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, दूसरा क्या होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। बहुत ही सिंपल वे में डेफिनेशन है इसकी कि ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसका कोई आर्गूमेंट ना हो, ठीक है ना, हैविंग नो आर्गूमेंट्स, कोई आर्गूमेंट्स नहीं, उसको हम क्या कहेंगे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जैसे अगर आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया इस तरीके से और ब्रैकेट दे दिया और इसमें कुछ भी नहीं है, उस ब्रैकेट के अंदर कोई आर्गूमेंट्स नहीं रहा, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और दूसरा क्या है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर मतलब होता है हैविंग आर्गूमेंट्स, आर्गूमेंट या फिर आर्गूमेंट्स, आर्गूमेंट्स दोनों हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब भी कंस्ट्रक्टर होगा तो कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी आप डेटा टाइप को ले सकते हैं, उसी को हम आर्गुमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरीके का हमने आपको दिखा दिया, तो ये हो गया आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसके और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं बट बेसिक में समझने के लिए काफ़ी है कि कंस्ट्रक्टर कैन बी कैटेगराइज्ड इन टू टाइप्स। वन इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसका कोई आर्गूमेंट्स नहीं होता हो, और दूसरा जो है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जिसके आर्गूमेंट्स होते हैं, ठीक है। चलिए इसको और भी एक्सप्लेन करने के लिए या और अच्छे से समझने के लिए आपको हम C++ के एडिटर में लेकर चलते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे क्लास बनाएंगे, क्लास हम यहाँ लिख लेते हैं टेस्ट, ठीक है। और क्लास का नाम, क्लास के अंदर हम एक फिर एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं पब्लिक सेक्शन में, ठीक है। पब्लिक में हमने क्या बना दिया है, कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर का नाम तो सेम रहेगा, आप पहचान सकते हैं अगर सेम नाम से आ गया तो वो हो गया कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर हम कुछ मैसेज डाल देते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं सी आउट, यहाँ पे स्मॉल में लिखिए सी आउट, और यहाँ पे हो जाएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इनवॉक्ड। ये आपने मैसेज दिया। आपको पता है कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, बिकॉज कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है जैसे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ये हो गया हमारा क्लास कंप्लीट, और क्लास को हमने बंद किया। बहुत सिंपल क्लास है, यहाँ पे एक ही क्लास और एक ही कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, एग्जांपल दिखाने के लिए। अब लेते हैं हम यहाँ पे वर्ड मेन, वर्ड मेन लेने के बाद हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो क्लास हमारा टेस्ट है, टेस्ट हमने बनाया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से हम कॉल किसी को नहीं करेंगे, ठीक है, चूँकि ये तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होना चाहिए। चलिए गेट सी एस देकर हम प्रोग्राम को बंद कर देते हैं, और यहाँ पे हम इसको सेमी कर्ली ब्रेसेस से क्लोज कर दिए। अब बारी आती कंपाइल करने के लिए, कंपाइल हमने किया। अब देखिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इनवॉक्ड, एक हम यहाँ पे क्या करते हैं क्लियर स्क्रीन दे देते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कंट्रोल F9, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इनवॉक्ड यही है ना। हम इसमें आपको एक बार इसमें स्लैश एन दे करके दिखाते हैं, यहाँ पे स्लैश एन, ताकि आप थोड़ा नीचे में आराम से देख सकते स्क्रीन पे। कंट्रोल F9 हमने यहाँ लिखा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वॉक्ड, दैट मीन्स यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर में कोई भी आर्गूमेंट्स पास नहीं किया, और यहाँ पे क्या शो हो गया, जो हमने यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैसेज जो है वो प्रिंट हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है। उसके लिए हम यहाँ पे एक वैल्यू ले लेते हैं a, ठीक है, और यहाँ पर भी हम एक ले लेते हैं, यहाँ पे इस तरीके से int b ले लिया हमने, ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं b को a इक्वल टू हमने यहाँ पे किया b, ठीक है, यानी जो भी वैल्यू आएगा वो b में कैश होगा, वो स्टोर किस में कर देगा, a में स्टोर कर देगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक ठीक है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं फिलहाल। फोकस कीजिएगा प्रोग्राम पे, ध्यान से देखिएगा, तब आपको भी समझ में आ जाएगा और आप बनाना शुरू कर दीजिएगा। एक और हम फंक्शन ले लेते हैं यहाँ पे void show, यहाँ से हमने ले लिया। अब हम सी आउट करते हैं, सी आउट इस नंबर का हम स्क्वायर निकालना चाहते हैं, SQUAR स्क्वायर इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे जो नंबर आया है a इंटू a, ठीक है, ये स्क्वायर निकल गया। अब इसको क्लोज कर दिया हमने, क्लास तो और ऑलरेडी यहाँ पे क्लोज है, क्लास जो है आपका यहाँ पे क्लोज है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्लास में हमने टेस्ट नाम से क्लास लिया, यहाँ पे एक वेरिएबल डेटा मेम्बर लिया a, पब्लिक के अंदर हमने एक नॉर्मल फंक्शन बनाया और एक हम कंस्ट्रक्टर बनाया, और कंस्ट्रक्टर किस टाइप का है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, यानी इसमें आर्गुमेंट्स हैं। अब हमने क्या करना है, मेन के अंदर हम जो है
यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट से हम कॉल किसको करेंगे, शो को, चूंकि टेस्ट तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, तो हम यहाँ करेंगे ओबीजे डॉट शो, ठीक है। चले ये हो गया, अब इसको हम कंपाइल करके रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हम यहाँ पे टेस्ट हमने लिया और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट से हम यहाँ वैल्यू पास कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया वैल्यू हमारा पास, और हम करते हैं कंट्रोल एफ नाइन, तो हम देखिए आंसर में क्या है, स्क्वायर इक्वल टू 25, ठीक है। स्क्वायर में हम स्लैश एन दे के न्यू लाइन कर देते हैं, स्लैश एन स्लैश एन, कंट्रोल एफ नाइन किया, हमने 5 पास किया था तो 25 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू को चेंज कर देते हैं, वैल्यू हमने यहाँ से चेंज किया तो क्या हो गया, कंट्रोल एफ नाइन से यहाँ पे किया तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया। तो ये था बहुत सिंपल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ये आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से हमने वैल्यू पास किया 10, तो 10 कहाँ गया, इसमें ऑटोमेटिकली किया क्योंकि ये ऑटोमेटिकली इनिशलाइज होता है। बी बी का वैल्यू ए में आ गया, अब ए को क्या किया गया, यहाँ से ए इंटू ए कर दिया गया। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल था, लेकिन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर से बहुत सारे एग्जाम्पल्स को, प्रैक्टिकल को और क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस आपको दिखाएंगे। आप बहुत मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़िए, समझ में नहीं आता कोडिंग तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली आप समझ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू वेरी मच।